हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट फूड किचन। तो चलो आज हम बनाएंगे आलू के पकोड़े। बहुत ही आसान रेसिपी है और आसानी से हम इसे घर पे बना सकते हैं और कम से कम इंग्रेडिएंट्स में हम इसे बनाएंगे। तो चलो देखते हैं। बेसन 1 बाउल, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, नमक स्वादानुसार, अजवाइन 1 टीस्पून। और हमने यहाँ पे 2 बड़े आलू लिए थे। आलू को हमें अच्छे से धो के आलू के छिलके निकाल देना है और कुछ इस तरीके से हम छोटे छोटे इनके स्लाइसेस कट कर लेंगे। स्लाइसेस कट करने के बाद हमें बेसन का घोल बनाना है। तब तक आलू हम इसे बाहर नहीं रख सकते, बिकॉज आलू बहुत जल्दी काले पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से हम आलू के स्लाइसेस को पानी में डुबो के रख देंगे और तब तक हम बेसन का घोल बनाएंगे। तो एक बड़े बाउल में हमें बेसन ले लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। आपको जितना तीखा पसंद हो आप उतना तीखा इसमें ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे ग्रीन चिली भी यूज कर सकते हैं। हल्दी, स्वादानुसार नमक, अजवाइन 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इस घोल को रेडी करना है। तो अच्छे से इस बैटर को मिक्स करेंगे। हमें ये बैटर गाढ़ा रखना है। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके यूज करेंगे इसमें और इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें बिल्कुल बबल्स लम्स ना रहे। गाढ़ा बैटर रेडी करना है हमें। अच्छे से बैटर मिक्स हो चुका है और ये हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। तो जो हमने आलू साइड में रखे हुए थे उन आलू को हम पानी में से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो आलू जो है काले नहीं पड़े। तो आलू के स्लाइसेस को एक एक करके हमें इस बेसन के घोल में डालना है और इसी तरीके से हमने एक तरफ तेल गर्म होने के लिए रखा है। तो उसमें ये आलू हम एक एक करके डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने पकोड़े एक एक करके तेल में डालना शुरू कर दिया है। गैस का फ्लेम हाई फ्लेम पे होना चाहिए। तेल अच्छे से गर्म हो तभी आपको पकोड़े तेल में डालने हैं। और बेसन हमें गाढ़ा ही रखना है। तो इस तरह से एक एक करके सारे पकोड़े हमें पैन में डालने हैं। यहाँ पे पकोड़े की एक साइड जो है वो अच्छे से पक चुकी है। तो अब हम दूसरी साइड से भी पकोड़ों को अच्छे से पका लेंगे। एक साइड अच्छे से लाल हो चुकी है। पकोड़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये पकोड़े खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इसे हम चटनी के साथ या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे पकोड़े आप देख सकते हैं दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। कलर इनका बहुत ही अच्छा आया है। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। एक प्लेट में हमें इसे निकाल लेना है। ये पकोड़े बहुत ही क्रंची और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पकोड़े बहुत ही अच्छे बने हैं। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, खाने में बहुत ही लाजवाब होते हैं। तो आप इसे सॉस के साथ या ग्रीन चटनी, धनिया की चटनी या नारियल की चटनी के साथ इसे आप सर्व कर सकते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही हमारी नई रेसिपीज देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।